तो ये जो घर दिख रहा है ना, इसी घर में रहते हैं फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जी अपने पूरे फैमिली के साथ। और ये घर जो कि बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ से दिख रहा होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज पुराने फिल्मों की अगर बात करते हैं तो नसीरुद्दीन शाह एक बहुत बड़े नाम है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनका आज हाउस टूर कराने वाले हैं। प्रॉपर उनका पूरा इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, उनके पूरे बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो मैं एड्रेस की बात करता हूँ तो मैं अभी खड़ा हूँ, ये जो आप मेरा बैक साइड में ये पूरा आपको क्रॉस दिख रहा होगा, ये रेड यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल है। और ये जो सामने की ये रोड जाती है तो ये सीधे चले जाएगी। इधर आप एक साइड भी चले जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी घर पर, जो कि पेरी क्रॉस रोड है, और आप सीधे चले जाएंगे तो कैटर रोड चले जाएंगे। तो अगर बांद्रा से अगर आप आते हैं तो आपको इस पे पेरी क्रॉस रोड पे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सचिन तेंदुलकर घर पे, और ये राइट साइड में जाते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से रास्ता किया हुआ है ये राइट साइड में, तो यहाँ से नसीरुद्दीन शाह के घर पर आप आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। तो ये पूरा एड्रेस रहा, और चलिए वहाँ पर मैं चलता हूँ उनके घर के पास, क्योंकि यहाँ से लगभग एक मिनट पैदल लगेगा, तो वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चैनल पर पहली बार तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक जरूर कर लीजिए। तो मैं पहुँच चुका हूँ नसीरुद्दीन शाह के घर के पास, जैसे कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा कितना खूबसूरत सा ये घर आपको यहाँ से दिख रहा। इसी में नसीरुद्दीन शाह अपने पूरे फैमिली के साथ रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता, और पुरानी फिल्मों की अगर बात करते हैं तो उनका एक अलग ही जलवा था, और अभी भी इनका जलवा कायम है फिल्म इंडस्ट्री में, और उनके बोलने के अंदाज से पूरे फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच जाता है। और ये उसके आजू बाजू का पूरा लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने आपको एक पार्क देखने को मिलता है उनके घर के जस्ट सामने, अगर आप आते हैं तो छोटा सा एक पार्क आपको देखने को मिल जाती है। और ये देखिए जो आपको यहाँ से मेन गेट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी गेट से नसीरुद्दीन शाह एंट्री करते हैं और एग्जिट भी करते हैं, दोनों इसी गेट से किया जाता है। और यहाँ से देखिए रेड कलर और येलो कलर का ये बिल्डिंग आपको देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत सा है। और आपको पता ही कि बांद्रा का कितना पॉश इलाका माना जाता है, जो कि पेरी क्रॉस रोड पे देखने को मिलता है। और यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी रहते हैं बांद्रा में, आपको पता ही है। तो यहाँ से मैं आपको जूम करके अच्छे से मैं पूरे बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नसीरुद्दीन शाह जहाँ पर रहते हैं उस फ्लैट की कीमत क्या है, और वो आपको देखने में कैसा लगता है। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से फ्लैट दिख रहा है, और ये सामने वाला जो दिख रहा है ना, सामने वाला पर्सन में नसीरुद्दीन शाह रहते हैं, जो कि बहुत ही गजब का ये फ्लैट है, जो कि पूरी फ्लैट उनकी नहीं है। बहुत से लोग पूरी फ्लैट को बता देते हैं, पूरी फ्लैट नसीरुद्दीन शाह की नहीं, बल्कि इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में वो फ्लैट लेकर के रहते हैं। तो ऐसी अफवाह बहुत सारे लोग उड़ा देते हैं। फिलहाल काफ़ी आलिशान ये बिल्डिंग है और बहुत ही खूबसूरत है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ वीडियो के शुरू में, अगर आप आना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पर आ सकते हैं आसानी के साथ। अगर नसीरुद्दीन शाह के बायोग्राफी की बात कर लेते हैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत, अगर उनके जन्म तिथि की बात करते हैं तो 20 जुलाई 1950 को उनका जन्म हुआ, जो कि बाराबंकी मतलब यूपी में, यूपी से ये बिलोंग करते हैं। लगभग 72-73 साल के इनकी एज हो चुकी है। और अगर इनकी वाइफ की बात करते हैं तो फिलहाल इन्होंने 2 शादी कर रखी है। इनके पहले पत्नी का नाम था परवीन मुराद, और उसके बाद से फिर इन्होंने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी जो कि रत्ना पाठक के साथ, वो भी एक फिल्म अभिनेत्री है, जो कि 1982 में रत्ना पाठक के साथ इन्होंने शादी की। अगर बच्चे की बात करते हैं तो इनके पास 3 बच्चे हैं, जैसे कि विभान शाह, उसके बाद से हिबा शाह, उसके बाद से इमाद शाह। तो इसके पास 3 बच्चे हैं, और जो कि अब फिलहाल सभी उसी फ्लैट में रहते हैं पूरे फैमिली के साथ। और अगर इनके फिल्म करियर की बात करते हैं तो ये बहुत बड़े एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है। अगर फिल्म डेब्यू की बात करते हैं कि इन्होंने फिल्म में कब से काम किया, तो निशांत मूवी जो कि 1975 में आई थी, इन्होंने सबसे पहले इस मूवी से अपने फिल्म की शुरुआत की। उसके बाद से बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया। अगर फिल्म करियर की बात करते हैं अपने लाइफ में इन्होंने कितने फिल्म किए, तो फिल्में तो सैकड़ों फिल्में इन्होंने काम किया। कुछ फिल्मों की अगर बात करते हैं तो जैसे कि मासूम फिल्म, जो कि 1983 में रिलीज़ हुआ, नाजायज 1995 में, सरफरोश 1999 में, क्रिश 3 2013 में, उसके बाद से जलवा 1987 में, तहलका 1992 में, मोहरा 1994 में,
बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और एक से एक बड़े बड़े हिट फिल्म ये दे चुके हैं। और अभी फ़िलहाल ये कम फिल्में करते हैं, और जो कि अभी बहुत कम फिल्म ये काम कर रहे हैं फिल्म में। और अगर इनके संपत्ति की बात करते हैं तो लगभग इनके पास 50 मिलियन डॉलर की संपत्ति बताई जाती है। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करते हैं तो 365 से 70 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, और ये ईयरली लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपये कमाई कर लेते हैं फिलहाल अभी, क्योंकि अभी ये फिल्में बहुत ही कम करते हैं और इस आलीशान से घर में रहते हैं। और इनके पास जो संपत्ति है वो काफ़ी अधिक है, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पास भी 300-400 के करीब संपत्ति बताई जाती है। तो ये नसीरुद्दीन शाह जी के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही माने जाने एक्टर माने जाते हैं, और अगर जिस फिल्म में काम कर दे वो फिल्म को चलना ही चलना है। और अगर इनका बात विवाद अभी फ़िलहाल बहुत ही चलता रहता है, जैसे ट्विटर पे सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे कि कभी कुछ ट्वीट कर देते हैं, कभी कुछ मैसेज किसी प्लेटफॉर्म पे कर देते हैं सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारा विवाद हो जाता है नसीरुद्दीन शाह के ट्वीट को लेकर के, या किसी भी सोशल मीडिया पे वो जब लिखते हैं तो अपने मन की जो बातें बताते हैं तो उनको लेकर के बहुत सारा विवाद हो जाता है सोशल मीडिया पे। तो ये है नसीरुद्दीन।